Welcome to Prime News 24. Since the Citizenship Amendment Bill is passed in Lok Sabha on January 8, Assam is witnessing series of bandh, blockades and protests across the state. There has been nude protest and demonstration of black flags to BJP leaders. There has been couple of incident of scuffle in Tinsukia and Nalbari. An exclusive interview with Assam government's Forest, Exercise and Fishery Department Minister, Mr. Parimal Shukla-Baidya, discussing on his views upon Citizenship Amendment Bill. Minister Shukla-Baidya said that he is willing to accept the bill. He said that there will be no negative effects on the Lok Sabha elections because of the bill. Rather, there will be an increase of seat than before. For Prime News 24, Kamal Pratim शर्माज रिपोर्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल दरअसल में है क्या? हाँ, ये एक मुद्दा कुछ दिन से हमारा असम में भटक रहा है, बोल सकता हूँ। देखिए, ऐसा बात है कि देश स्वराज मिलने का पहले विभाजन हुआ था, तब कांग्रेस ही था। विभाजन हुआ था, ये धर्म का नाम से विभाजन हुआ। पाकिस्तान बना इस तरफ हिंदुस्तान, यानी आज का जो हमारा भारतवर्ष है। तो ऐसा है, ये तो हमारा इंडिया या भारत या हिंदुस्तान, ये हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ। पाकिस्तान हुआ था इस्लामिक कंट्री। जिन्ना साहब ने ये जो मुस्लिम लीग का लीडर था, इन्होंने भाग करके ले गया। तब जिन्ना और हमारा नेहरू जी ने ये हुआ था, दोनों का ही प्रधानमंत्री होना चाहिए था, तो इसीलिए देश को बटवारा किया। उसका बाद में प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि धर लीजिए, पाकिस्तान में जितना जितना आदमी था, इसमें से बहुत सारे हिंदू भी था, सिख था, बौद्ध था, क्रिश्चियन था। तो इन लोग इधर आने का बाद, देश बंटवारा होने के बाद इधर जब आने लगा, तो इन लोग का सिटीजनशिप लेके बहुत सारे मुद्दा आए सामने। आज स्वराज मिलने का करीबन 72 साल हो गया, उसका बाद में भी बहुत सारे स्टेट में ऐसा है जो पहले आज से, धर लीजिए 50 साल पहले आया, 20 साल पहले आया, 30 साल पहले आया, ऐसा कुछ है। तो इन लोग का वो सिटीजनशिप मिलने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए अपना सरकार आने का बाद, पहले एक सिटीजनशिप एक्ट था, इसको अमेंडमेंट चल रहा है अभी होने के लिए, ये मुद्दा उठा। इसमें पहले था कि कोई आदमी इधर आने का बाद 12 साल का अंदर इनका जो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई करना है। तो ये अमेंडमेंट करके अभी ऐसा है कि 6 साल बनाया, 6 साल का अंदर ये कर सकता है, और 14 को पूरा टारगेट करके दिया है। जो 14 का बाद में जैसे कोई आदमी बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान से ये आ नहीं सके, ऐसा इसमें परमिशन दिया गया है। तो 14 का अंदर जितना हिंदू आदमी आया या बौद्ध आया या क्रिश्चियन आया या सिख आया, तो ये सिर्फ असम का बात नहीं है, पूरा इंडिया में जहाँ आया, क्योंकि जो रिफ्यूजी हुआ या देश का बंटवारा का बाद जब आदमी इधर में आया, पाकिस्तान से या धर लीजिए दीदन अफगानिस्तान से, तब कोई पंजाबी आदमी पंजाब में बस गया, कोई धर लीजिए वो मारवाड़ी आदमी वो राजस्थान में बस गया, कोई बंगाली आदमी पश्चिम बंगाल में बस गया, ये तो असम में आ गया। अभी ये हमारा सरकार आने का बाद ये कोशिश कर रहा है कि जैसे इन लोग का भी सिटीजनशिप मिले, क्योंकि इन लोग का पूर्वज भी, ये स्वराज का आंदोलन में इन लोग का बहुत सारे पूर्वजों का देहांत हुआ, आंदोलन किया, बहुत सारे इन लोग का पूरा घर बारी पूरा खत्म हो गया। अभी ऐसा है कि देखिए, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में कोई आदमी धर्म का शिकार होता है, उधर में इस्लामिक तो कंट्री बन गया, तो धर्मीय कारण से या सामाजिक कारण से इन लोग को ऊपर में उधर में कोई टॉर्चरिंग होता है, ये इधर में आ गया, तो इसमें 6 साल का अंदर वो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए बोल सकता है, उसका बाद में उसका सिटीजनशिप। सर, इस बिल को अमेंडमेंट होने के बाद असम में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? बस इतना ही बात है कि देखिए, कोई स्टेट में कोई आंदोलन नहीं, कोई बात नहीं,
असम का ऐसा कुछ लोगों का, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन का यही कहना है कि इधर में बहुत सारे आदमी बांग्लादेश से इधर आ जाएगा। कोई कोई आदमी बोल रहा है 1 करोड़ इतना आ जाएगा, मगर देखिए बांग्लादेश से अभी हिंदू आने का सवाल कहाँ से। बांग्लादेश अच्छा चल रहा है शेख हसीना जी का नेतृत्व से। बांग्लादेश में इतना हिंदू है ही नहीं कि इधर में वो असम में प्रवेश करे। और वो जो अमेंडमेंट एक्ट है वो सिर्फ असम के लिए नहीं, वो पूरा ऑल इंडिया के लिए है। और सबसे बड़ा बात है ये हमारा गवर्नमेंट भी, हमारा पार्टी भी, वो चाहता है कि वो असम अकेला उसको बर्डन ना ले, पूरा इंडिया में। धर लीजिए पंजाबी कोई आदमी आ गया तो वो असम में क्यों बसेगा, कोई मारवाड़ी आदमी आ गया तो असम में क्यों बसेगा। हैं, हो सकता है पहले से कुछ जो आया था या 14 का पहले जिन लोग आया था इन लोग को लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई करेगा। और 14 का पहले यानी वो 71 तक तो हमारा जो असम एग्रीमेंट है उसमें तो मना किया है कि 71 तक जो आदमी आया है तो इन लोग का तो इधर में रहना है। तो 71 तक जितना आया उसके बाद में एक छोटा सा कुछ होगा। धर लीजिए हो सकता है अभी एनआरसी चल रहा है, हम लोग का पता चल जाएगा एनआरसी कंप्लीट होने के बाद। हो सकता है कि ऐसा कि धर लीजिए 8 लाख हुआ या 10 लाख हुआ, तो 8 लाख हो या 10 लाख हो या 4 लाख हो, इतना बड़ा आशा में जितना हो सके इन लोग को देना है। नहीं तो पूरा हमारा इंडिया में जितना स्टेट है हर स्टेट में ही भाग बंटवारा करके ये छोटा सा ये ले जाएगा, क्योंकि इन लोग का भी ये देश का स्वाधीनता में सेक्रीफाइस है। इन लोग इतना दिन से इधर में बैठा हुआ है, इसलिए मेरा पार्टी का पहले से ही मुद्दा था। हमारा सरकार आने का पहले हम लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इधर में जो बांग्लादेश से धर्मीय निर्यातन का भूमियों के इधर में आया है इन लोग के लिए हम लोग वो हमारा इलेक्शन जो मैनिफेस्टो है उसमें भी हम लोग बोला था कि हम लोग कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्व करने के लिए। ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है जिन लोग उसका विरोध कर रहा है इन लोग भी जानता है ये प्रॉब्लम है। जब तक कोई देश का ऐसा कोई जनता का साथ रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर नहीं पाता हो, तब कोई ना कोई जगह पे हम लोग का प्रगति में नुकसान होता है। इसलिए हमारा केंद्रीय सरकार ने ये अमेंडमेंट बिल लेके आ रहा है। हम लोग उम्मीद करता हूँ ये अमेंडमेंट बिल पास भी होगा, ये अमेंडमेंट होगा। और साथ ही साथ ये जो प्रॉब्लम 72 ईयर से चल रहा है पूरा इंडिया में, इन लोग का सिटीजनशिप मिलने में बहुत सारी दिक्कत हो रहा है। इसमें देखिए ये सिटीजनशिप लेके पहले एक अशोका नेतृत्व में हमारा इधर का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व में बहुत सारे बड़ा आंदोलन हुआ था, उसका बाद में असम एग्रीमेंट हुआ जिसमें 71 तक वो बोला गया है रखने के लिए। उसका पहले भी ये हिंदू बंगाली या धर लीजिए जो कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इन लोग के लिए पहले भी ऐसा जो नेहरू लियाकत चुक्ति था, उसका बाद में आपका मुजीब इंदिरा जी का जो एग्रीमेंट था तो पहले से ही था। तो उसको थोड़ा सा अमेंड करके जैसे ये प्रॉब्लम पूरा खत्म हो जाए। लेकिन सर लेकिन सर असम की जो दल संगठन है वो रोज रोज स्ट्राइक कर रहा है, असमवासी को आप कुछ बोलना चाहती है क्या? देखिए इन लोग को मैं इतना ही बोलूंगा, हर आदमी को असम का ये भैया देखिए ये एक प्रॉब्लम है, ये तो बात सही है, प्रॉब्लम है असम में भी। धर लीजिए हिंदू सिख ईसाई बौद्ध हो सकता है, कितना हो सकता है मैं भी बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि वो एनआरसी चल रहा है। ऐसा कहना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ठीक है ज्यादा आदमी इधर में बस जाएगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग सोच के दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक तो है जितना आदमी इधर में अंडियो है ऑथराइज नहीं है रहने के लिए, सिटीजनशिप हाथ में नहीं है फिर भी है इधर, इन लोग को कोई ना कोई ढंग से आइडेंटिफाई करके इन लोग को लॉन्ग टर्म वीजा करना दे। कैसे हम लोग क्या कर सकता हूँ एक परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए हर आदमी को मदद करने का ज़रूरत है। इधर में ज़्यादा आदमी आ जाता है तो उसको तो ऐसा नहीं है, ये अमेंडमेंट बिल में ऐसा नहीं है कि वो असम में रहना है, ये बिल तो पूरा इंडिया के लिए है।
उसका बर्डन क्यों ये पूरा असम लेगा। हर पूरा इंडिया में इतना स्टेट है, हर स्टेट में हम लोग कोशिश करूंगा कि पूरा असम असम में जितना है एक इक्वल प्रोपोर्शन में हर स्टेट में।